Good morning guys, I hope you all are doing great. सो मॉर्निंग का रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंड थैंक यू ईच एंड एवरी वन जो इतना प्यार करते हैं अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी थैंक यू बहुत सारा प्यार देने के लिए कैनेडा में थोड़ी सी ठंड स्टार्ट हो चुकी है इसलिए मैंने फायर प्लेस ऑन कर ली कि मैं वार्म रहूँ एंड अब चलते हैं किचन में बच्चों का टिफ़िन रेडी करते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है एवरी मॉम के लिए अर्ली मॉर्निंग में आज बच्चों के लिए मैं मॉर्निंग ग्लोरी पर पिज़्ज़ा बना रही हूं। सो so, बच्चे लाइक करते हैं एक ब्रेक का ही मैं फूड उनको देती हूँ क्योंकि उनके पास सेकंड ब्रेक नहीं होती तो इतना ज़्यादा फूड नहीं बनाना पड़ता सो so, मैं जल्दी से वेजी पिज़ा रेडी कर लेती हूँ फूड रेडी हो चुका है इसके साथ मैं थोड़ा सा फ्रूट वेजिटेबल्स सम स्नैक्स पैक करती हूँ एंड एक ब्रेक के लिए नफ होते हैं आज बाहर का मौसम कुछ ऐसा है रेनी डे है बट आज मैं अंदर के कुछ काम करूँगी जो हमारा फ्रंट फोयर है जिसे मैं आज डेकोरेट करूँगी बहुत सारी डी आई वाई चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी अफोर्डेबल चीज़ों को लेकर आप अपने फ्रंट फोयर को कैसे डेकोरेट कर सकते हो जो जो चीज़ें मैं यूज़ करूँगी जो जो डी आई वाई मैं बनाऊँगी वो सारी चीज़ें आज, आज आपके साथ शेयर करूँगी अब मैं जल्दी से क्लीन करूँगी इसे फर्स्ट एंड पेंट तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है पेंट भी मैंने खुद किया है इसकी सेपरेट वीडियो मैंने शेयर की है अगर पेंट नहीं हुआ आपके घर में तो आप पेंट कर सकते हो एक्सेंट वॉल्स क्रिएट कर सकते हो विद द पेंट आपको वॉलपेपर की ज़रूरत भी नहीं है उसकी सेपरेट वीडियोज़ भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं अब मैं जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ मुझे आदत है जब भी मुझे डेकोरेट करना होता है मैं अच्छे से उसे पहले क्लीन करती हूँ पेंट करती हूँ बस उस एरिया को जब आप अच्छे से बना कर यूज़ करते हो तो फिर अच्छा लगता है मेरी फोयर में बहुत सारी स्पेस है सो so, एक साइड पे मैं यूज करूँगी बेंच ये डी आई वाई बेंच है एंड मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करती हूँ कैसे मैंने ये बनाया तो so, सबसे पहले मैं आपके साथ से ये शेयर करती हूँ ये एक वुड का पीस है जो ट्रीटेड वुड होती है बहुत एक्सपेंसिव मिलती है ये मैंने अराउंड ठोनी डॉलर मार्शल से लिया था ये मेटल के पाइप्स हैं समटाइम आपको घर में ही मिल जाते नहीं तो आप लोज और होम डिपो से ले सकते हो एंड ऐसा अटैचमेंट जो नीचे मैंने लगाया है एंड जे सो इसको मैंने जस्ट ऊपर दिस इसे मैंने अटैच कर दिया इसके साथ एंड बोथ साइड ऐसे अटैच है एंड जे टाइप ऑफ शेल्फ थी एक्चुअली एंड फिर मैंने इसे ऐसे बना लिया फोर लेग्स के साथ सो so, अगर आप इससे बाहर से लो अगर किसी भी वेबसाइट पर इसे देखोगे तो अंडर थ्री हंड्रेड डॉलर ऐसे मिलेगा सो so, मैंने अराउंड फिफ्टी डॉलर में इसे बना लिया सो so, इसका लाइक like, टेक्सचर बहुत अच्छा है ये ट्रीटेड बोर्ड है आप ऐसे बना सकते हो नेक्स्ट मैं शेगी रग यूज़ करूँगी जो मैंने अराउंड फिफ्टी डॉलर की ली थी मार्शल से मार्शल से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं एंड ये मेरे स्पेस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा इसका साइज़ है ना ज़्यादा छोटी रखें ना ज़्यादा बहुत बड़ी रखें एंड साइज़ को चूज़ करके ही हमेशा चीज़ें यूज़ करें बेंच के ऊपर स्पेस है वॉल पर उसको मैं डेकोरेट करूँगी ये पीस से मैंने डाल्रामा से लिया था येस yes, डॉलरामा से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं एंड ये कुछ रेंज जो मैंने आई थिंक मार्शल और होम सेंस से लिए थे सो so, इसको मैंने लगा दिया ऊपर सारा सेट हो गया है इसकी ऑपोजिट साइड पे मेरे पास बड़ी सी स्पेस है वहाँ मैंने डी मिरर लगाया है जे मैं आपको बताऊँ कि मैंने ये कैसे बनाया मोस्टली बिल्डर आपको ऐसे प्लेन मिरर्स देते हैं मुझे भी मेरे मास्टर बेडरूम में ऐसा बड़ा मिरर मिला था मैंने उसे फेंका नहीं आप क्या कर सकते हो इसका फ्रेम बना सकते हो बेस बेसबोर्ड लेकर उसके कॉर्नर्स बनाकर अच्छे से फ्रेम बना लें ऐसे ही मैंने यूज़ किया इसको मैंने अपनी वॉल पर पहले लगाया जो क्लिप इसके साथ आते हैं एंड फिर मैंने उसका फ्रेम क्रिएट किया फ्रेम आप बेस बेसबोर्ड से बना सकते हो और भी बहुत अच्छे अच्छे फ्रेम मिल जाते हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हो सो so, मैंने इसे फेंका नहीं मैंने डी इसे करके एक अच्छा बड़ा सा मिरर बना लिया इस वॉल के लिए सो so, नो मैं इस वॉल पे जहाँ इस कॉर्नर पे वर्क सो so, इस वॉल पे मैंने ईवल आई की पिक्चर लगाई है जे जब भी कोई अंदर आता है तो ये स्ट्रेट सामने दिखती है एक साइड पे मैंने फ्लावर वेस रखा है ना मैं इस कॉर्नर पे वर्क करूंगी सो फॉर ऐसे लग रहा है सो so, ये टेबल मैंने लिया है मार्शल से एंड आई हैव दिस सो so, ये दिवाली के लिए स्पेशल था एंड मुझे ये मार्शल से मिला मुझे बहुत अच्छा लगा इसको मैं दिवाली के लिए यूज़ करूँगी इसमें वाटर एंड फ्लावर्स कैंडल्स ऐड करके फिर आपके साथ शेयर करूँगी नौ मैं बेंच को डेकोरेट करूँगी उस पर मैं क्वेश्चन रखूँगी ये एक्चुअली बेंच बहुत बड़ा है एंड अराउंड ट्वेंटी डॉलर में मुझे क्लियरेंस में मिला था सो so, ऐसे आप बना सकते हो सो so, इस पर कुछ uh, क्वेश्चन रख के आप उसे डेकोरेट कर सकते हो इसकी फ़ाइनल लुक मैं बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर करती हूँ एक और डीआईवाई चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वैनिटी थी जो मैंने डीआईवाई वैनिटी क्रिएट की थी मैंने आपके साथ शेयर भी की थी कि कैसे आप इसे बना सकते हो इसकी वीडियो अप ऑन आर चैनल डॉफर गेट टू चेक आउट दैट वीडियो सो इसके ड्रॉर्स जब मैंने लिए थे तो प्लेन थे अब मैं कुछ ऐसा करूँगी कि इसकी लुक अराउंड सिक्स सेवन हंड्रेड लगेगी सो so, ये मैंने अराउंड टू हंड्रेड डॉलर्स में मैं आई थिंक बनाई थी सो so, इस वीडियो को ज़रूर देखना सो so, मैं ये ड्रिल यूज़ करूँगी होल करूँगी पहले आज मैं ये नॉब्स यूज़ करूँगी जो मैंने मार्शल से ली थी ये स्क्रू के साथ आती है स्क्रू के अकॉर्डिंग ही होल करें जो होल ऑलरेडी मैंने कर लिया है एंड नेक्स्ट इस स्क्रू को यूज़ करूंगी अंदर की साइड से देन बाहर से जो नॉब है उसको अटैच करूँगी इसके साथ बहुत अच्छी अच्छी नॉब्स मिल जाती हैं आपको लोज होम डिपू आप कहीं से भी ले सकते हो हार्डवेयर के स्टोर से सो so, इससे इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा लगेगी कि पता नहीं कितने की वैनिटी ली है ऐसे ही मैं सारे ड्रोर्स में होल करके नॉब्स को यूज़ करूँगी स्क्रू इसके साथ ही आता है सो so, इसको मैं अटैच कर दूँगी बाहर से लाइक like दिस ये ड्रॉर अपने आप ही खुलता था बट मुझे इसको लुक देनी थी ऐसी नाउ आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छा लग रहा है एंड ऐसे आप नॉब्स यूज़ कर सकते हो एंड डी आई वाई प्रोजेक्ट करते रहें एंड वैल्यू बढ़ाते रहें अपने फर्नीचर की अब मैं आपको फ्रंट फोयर की भी फाइनल लुक दिखाती हूँ सो so, ऐसे आप डी कर सकते हो बहुत सारी क्लियरेंस से चीज़ें लेकर घर में कुछ लेकर आप डी करके अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो फ्यूचर में और भी बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी होप करती हूँ कि आपको ये आज के डी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे कि कैसे आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो आज मैं आपके साथ क्विक एंड इजी डिनर रेसिपी शेयर करूंगी ये जो बॉल्स आपको आइकिया से मिल जाती हैं फ्रोजन होती हैं इसे मैं बेक कर लूंगी इसे आप बहुत तरह से यूज़ कर सकते हो फ्राई भी कर सकते हो पैन में मैंने कुछ वेजिटेबल्स अनियंस एंड पनीर एक साथ ही सारा कुछ डाल दिया है इसे मैं अच्छी चिली बनाऊंगी एंड इसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है कैसे आप चीज़ चिली बना सकते हो तो उसको चेक करना आज तो क्विक एंड ईजी है ये रेसिपी सो मैंने पका लिया है उसे अच्छे तरह तो नाव मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सम सॉस स्पाइसेस जो भी आप ऐड करना चाहते हो सोया सॉस एंड कैचअप सो इसकी डिटेल वीडियो ज़रूर देखना ओके okay? सो so, मैंने तो आज सारा कुछ एक ही पैन में डाल दिया क्विक एंड इजी बनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था आज बट ऐसे भी बहुत अच्छी बनती है सो so, ये वेजिटेबल्स रेडी हो चुकी हैं जो बॉल के साथ अच्छी लगती हैं एंड इसके साथ मैं बनाऊंगी बीन्स ये है डिब्बे वाली बीन्स ब्लैक बीन्स एंड इसमें मैं आ, सीजनिंग ऐड करूंगी जो टाको की सीजनिंग होती है जे आपको इजीली स्टोर से मिल जाती हैं अराउंड टू टेबल स्पून इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और कोई भी स्पाइसेस मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी इससे ही बहुत अच्छा इसका टेस्ट बन जाता है बीन्स भी रेडी हो चुकी हैं बहुत अच्छी बनती है ऐसे आप ट्राई कर सकते हो एंड इसके साथ आप फ्राइड ब्राउन राइस भी बना कर देखिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी बेजी बाउल एंड नाउ इसके साथ मैं फ़्राइज़ यूज़ कर रही हूँ एंड ये फ्राइज इतनी अच्छी हैं जैसे आपको कॉस्को में मिलती है अगर आपने कभी कॉस्को में खाई हैं फ्राइज़ तो इसको ट्राई करना ये मैं फ़्राइज़ यूज़ करती हूँ अब सारा कुछ बेक हो चुका है इसके साथ ग्रीन सैलड जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई इसके साथ ग्रीन सैलड बनाएँ एंड एंड ऐसे आप अगर बनाकर क्विक एंड इजी रेसिपी ट्राई करोगे तो बहुत अच्छी बनेगी मैं होप करती हूँ आज का आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा जितने भी मैंने डीआईवाई आई डिकोर के आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं ये भी डीआईवाई वैनिटी है जो मैंने खुद बनाई थी एंड इसकी वीडियो सेपरेट शेयर की है आप देख सकते हो कि अफोर्डेबल वैनिटी आप घर में कैसे बना सकते हो एंड ऐसी चीज़ें मैं अपने चैनल पर शेयर करती रहती हूँ कैसे आप डी करके अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो रिसेंटली मैंने रूम मेक भी किया don't forget to check out that video i hope you like today's video if you like this video don't forget to subscribe to my channel like this video and share this video and don't forget to check out other videos on my channel i will see you in another coming video until then take care guys love you and bye guys